1979 का वो साल जब बर्मिंघम की धरती पर इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में दिल्ली के खिलाड़ी ने शानदार खेले, अपने पहले ही मैच में सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। बैटिंग के रौबीले अंदाज के साथ विकेट कीपिंग का जुनून कुछ यूं कि हर क्रिकेट प्रेमी को उन्होंने अपना दीवाना बना लिया। वो क्रिकेटर थे सुरेंद्र खन्ना, जिनकी करिश्माई पारी ने भारत के नाम पहला एशिया कप किया। अनसुनी कहानियों के सफर में आज बात हीरो ऑफ एशिया कप के नाम से मशहूर विकेट कीपर सुरेंद्र खन्ना की। 3 जून 1956 को दिल्ली में पैदा हुए सुरेंद्र खन्ना के क्रिकेटिंग करियर में बेशक मैचों की संख्या कम है, लेकिन जितने भी मैच खेले उनमें अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। मूल रूप से दिल्ली से संबंध रखने वाले सुरेंद्र का संघर्ष बहुत कुछ बयां करता है। दोस्तों संग गली मोहल्ले से क्रिकेट खेलने की वो शुरुआती ललक उन्हें एक दिन क्रिकेट ग्राउंड पर टीम इंडिया की अगुवाई करने का मौका देगी, ये उनके लिए एक ख्वाब जैसा था। पहले तो पैदाइश दिल्ली में हुई, हमारे वालिद साहब लाहौर से आए थे एज ए रिफ्यूजी, जो पार्टीशन हुआ बहुत दर्दनाक था। और दिल्ली में पैदाइश के बाद जो है स्कूलिंग हुई लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल में, फिर बाल भारती पब्लिक स्कूल में, फिर मैंने हायर सेकेंडरी की शक्तिनगर नंबर 1 स्कूल से, और कॉलेज में गया वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज जो है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और वहाँ पे क्रिकेट का रोग लग चुका था जब कॉलेज में पहुँचे। स्कूल में शक्तिनगर नंबर 1 में मैंने खेलना शुरू किया, बैडमिंटन टेबल टेनिस एथलेटिक्स सारे स्पोर्ट्स जो है मैं खेला करता था, खो खो बास्केटबॉल हॉकी, क्रिकेट जो है वो आखिरी स्पोर्ट्स था। और जब उसे खेलने लगा तो जो लुत्फ उसमें आने लगा वो कुछ अलग ही था। स्कूल कॉलेजों से क्रिकेट की शान रहे सुरेंद्र के क्रिकेट को लेकर दीवानगी शुरू से ही रही। फिर चाहे बात 80 के शुरुआती दौर में टीम इंडिया में उनकी विकेट कीपिंग हो या हिंदू कॉलेज की क्रिकेट टीम कप्तानी की। स्कूल्स में तो मैं खेला सन 71 की बात है, 70-71 की, हम श्रीनगर गए थे खेलने के लिए स्कूल, फिर नॉर्थ जोन स्कूल्स खेले, वो हम कैलकटा गए, मैं था, कपिल देव था, दीपक चोपड़ा था, इमैनुअल बेंजामिन था, अरविंद भसीन था, देशपाल था, अशोक मल्होत्रा था, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे उसमें। हमारे खिलाफ जो खेल रहे थे उसमें राहुल मंकड़ थे, राजू भालेकर थे, राजेंद्र जडेजा थे। विकेट कीपिंग जो है वो बहुत कठिन काम है और इसको ज़्यादा लोग नहीं लेते। और मैं साइंस स्टूडेंट था तो मेरा IQ अच्छा था, तो मैं एक बात समझ गया कि विकेट कीपिंग के अंदर अगर 200 बच्चे खेलने आते हैं तो केवल 1 या 2 विकेट कीपर होते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो 30 या 40 होंगे, तो 30 और 40 में कम्पीट करना और 10,000 में कम्पीट करना, तो मैं थोड़ा विकेट कीपिंग की तरफ मेहनत करनी शुरू करती। अंडर 20 नॉर्थ जोन क्रिकेट टीम के साथ दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेंद्र डोमेस्टिक क्रिकेट के शान रहे। हिंदू कॉलेज की टीम में अपनी दमदार बैटिंग और विकेट कीपिंग का जलवा दिखाकर सुरेंद्र ने रणजी ट्रॉफी में अपनी जगह बनाई, जहां उनके साथ ही क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव और इंद्रजीत सिंह साहब रहे, जिनसे उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और अपने खेल में निखार लाया। कॉलेज से खेलते खेलते दिल्ली में रणजी ट्रॉफी में आए, यूनिवर्सिटी में बहुत स्कोर किया, रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन मैंने यूनिवर्सिटी में और अंडर 22 में, अरुण लाल भी हमारे साथ खेलते थे, कपिल देव, हम सब खेलते थे, तो मैंने उसमें जो है कलकत्ता में खेलते हुए जो है शतक लगाया 138 रन। तो हमारी दुलीप ट्रॉफी टीम, बेदी साहब कप्तान थे, सुरेंद्र अमरनाथ, मोहिंद्र अमरनाथ, मदन लाल, ये सब लोग वहाँ पे आए हुए थे दुलीप ट्रॉफी मैच खेलने, और 10-11 लोग जो है हमारा मैच देखने आए थे। वेस्ट जोन के साथ मैच था, तो लंच से पहले हमारे 3 या 4 आउट हो गए थे, मैं बल्लेबाजी करने मिडल ऑर्डर में गया वहाँ पे, वैसे मैं ओपनर था, तो मैंने 138 बनाए उसमें। तो उस इनिंग्स का जब मालूम चला और मैंने 100 किया 6 मार के, सेकंड न्यू बॉल पे संदीप पाटिल को सीधा स्क्रीन पे 6 मारा वहाँ पर, तो हमारे मैनेजर थे स्वामी तलवार, वो अमृतसर पंजाब से थे, उन्होंने जाके बेदी साहब को शाम को बताया कि एक बच्चा जो है आपका दिल्ली का बहुत अच्छा है, और वो उनके पास बैठे थे और मुझे मिलाया बेदी साहब से। तो उन्होंने कहा देखने से तो लगता नहीं कि ये लड़का शतक लगा सकता है, मेरी जो है डील डॉल को देख के, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे को ईज पे लेके आए और फिर मुझसे कहा उन्होंने कि दिल्ली जाके आप रणजी के नेट पे आना। कई राज्यों के खिलाफ अपने बल्ले से शतक लगा चुके सुरेंद्र की लाइफ में वो वक्त भी आया जब उन्हें देश भर में पहचान मिली। वो साल था 1979 जब रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक से मैच के दौरान सुरेंद्र ने पहले मुकाबले में 111 रन बनाए।
और फाइनल मुकाबले में 128 रन बनाकर अपने नाम का डंका बजाया। उम्दा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ दमदार विकेट कीपर होने के चलते सुरेंद्र उस दौरान सभी बड़े टीम सेलेक्टर की पसंद बने रहे। दिवंग बैट्समैन थे और काफी दिलेरी के साथ डोमिनेट करते थे बैटिंग, जो है कि जब सैकड़ा मारा ईच इनिंग्स तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर एरापल्ली प्रसन्ना बॉल कर रहे थे, तो हमें बहुत खुशी है कि इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग फाइनल जीते। तो सुरेंद्र खन्ना ने जो फील्डिंग की उसकी अपनी कमाल है और जो विकेट कीपिंग की इसने अपनी कमाल है। ये क्या था, आम विकेट कीपर जब लेग साइड को जाते हैं ना तो वो थोड़ा विकेट की तरफ टेक्निकली घूम जाते हैं, लेकिन इसको ना हमने कहा कि तेरी टेक्निक गलत है, क्योंकि जब जिस बंदे को 100% रिजल्ट मिल रहे हों तो उसको फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा हमेशा एज ए कोच ये बिलीफ रहा है कि जो आदमी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको उसका काम करने दो। टेक्निक इज़ गुड, टेक्निक इज समथिंग, बट टेक्निक इज़ नॉट एवरीथिंग। उन्होंने कहा, मैं अंदर गया, मैंने कहा क्या हो रहा है पिच पे, कहते कुछ नहीं हो रहा है, यू जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। उसके बाद जो है मेरे को पता चला कि हमने एक पार्टनरशिप लगा दी और किरमानी साहब जो उनके विकेट कीपर थे दूसरी टीम के, उन्होंने कहा कि सुरेंद्र तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया, ये इतना शोर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं खेलने गया था 43/5 तो डेफनिंग साउंड थी, उसमें कोई भी नया खिलाड़ी जो है उस प्रेशर में जो है गिर जाए, और फिर वो साउंड जो है वो हमारे लिए हो रही थी। वो कहते हैं आपने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स बना दिए, और उस मैच के बाद वो मेरी जो पार्टनरशिप और मेरा जो कंट्रीब्यूशन था उससे दिल्ली ने कर्नाटका को वहाँ पे बेंगलोर में हराया। हम पहली बार रणजी ट्रॉफी जीते दिल्ली, और इमीडिएटली उसके बाद सिलेक्शन था वर्ल्ड कप 79 के लिए इंग्लैंड में जो हुआ, और 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ भी थी इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के लिए। बट मेरी तकदीर में ये हुआ कि जो किरमानी बहुत तगड़ा विकेट कीपर था उसको उस टूर पर उन्होंने छोड़ दिया और मेरे को आज नंबर 1 विकेट कीपर उन्होंने चुना। घरेलू क्रिकेट से बाहर निकल टीम इंडिया में अपनी जगह बनाना सुरेंद्र के लिए चुनौती से भरा था, वहीं बेदी साहब की नजरों में बने रहना टेढ़ी खीर। एक विकेट कीपर की हैसियत से टीम में जगह बनाना सुरेंद्र के लिए चुनौतीपूर्ण था, वहीं कप्तान सुनील गावस्कर के उस निर्णायक निर्णय की कदर सुरेंद्र आज तक करते हैं। जब 1979 वर्ल्ड कप के दौरान गावस्कर ने मशहूर विकेट कीपर सैयद करमानी की जगह सुरेंद्र को विकेट कीपर के तौर पर खेलने का मौका दिया। ये गट्स कितने लोगों में होंगे कि किरमानी जैसे विकेट कीपर टीम में हो, वो उनको बाहर बिठा दें, उनके जैसे लेजेंड को और मेरे जैसे नौसिखिए को मौका दें। तो उन्होंने मेरे में वो रीड किया, वो देखा और कॉन्फिडेंस दिया, और मैं समझता हूँ कि उनकी आँख का इशारा होता था। वो कभी भी मैंने नहीं कटु वर्ड बोलते हुए उनको नहीं सुना, बहुत कल्चर्ड हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो उनकी नज़र का इशारा काफ़ी होता है, और मेरे को बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैंने जो बैटिंग जो है बैक एंड अक्रॉस जिस तरह जो है उनके ऊपर मॉडल की थी, और अक्सर मैं उनसे शेयर करता था, पूछता था बैटिंग के बारे में तो बात भी करते थे। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए जाते हैं बड़े प्लेयर के पास, और फिर जब वो कोई बात बताते हैं तो मुड़ के कहते हैं देखो हमें क्रिकेट सिखा रहे हैं। ये भी कल्चर है आजकल के जो नए नौसिखिए हैं। किस्मत के धनी सुरेंद्र के जहन में वो वाक्य आज भी ताज़ा है जब पहली बार उनका नाम टीम इंडिया के साथ जुड़ा था, जिसकी खास वजह थी कि पूर्व विकेट कीपर सैयद किरमानी की छवि का इंटरनेशनल मीडिया में खराब होना और वहीं उनका नाम टीम के साथ जुड़ना। क्रिकेट में कैरी पैकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं, मीडिया वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट जिन्होंने बाद में कराई, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के राइट्स बिड किए और वो उनको मिलने चाहिए थे जो उनको नहीं दिए गए, कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा ऑस्ट्रेलिया के कि वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को देंगे, जैसे वर्ल्ड कप के राइट्स बीबीसी को जाते थे, एक मोनोपोली थी, हिंदुस्तान में क्रिकेट होनी है तो दूरदर्शन पे होगी। तो पैकर साहब ने जो है अपनी वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट कराने के लिए उन्होंने कहा हर देश की टीमें जो हैं मैं उसमें खिलाऊं, और फिनोमिनल अमाउंट्स वो उस समय दे रहे थे। क्रिकेट में उस समय इतना पैसा नहीं था जो ऑफिशियली हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। तो किरमानी साहब का नाम अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था कि पैकर के नुमाइंदे जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं,
तो कैरी पैकर के वहाँ जाने की, और वो गए भी नहीं। वो अफवाह किसने उड़ाई, कैसे अखबारों में आया, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। बट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, और हम लोग का वो बहुत सक्सेसफुल दौरा नहीं था। इन तमाम अफवाहों से भरे सुरेंद्र की नज़रों में किरमानी साहब की एक अलग छवि थी, जिसे वो हमेशा बयां भी करते हैं। और वो अनसुना किस्सा बड़ा ही खास था, जब गावस्कर साहब के साथ सुरेंद्र की मुलाकात सैयद किरमानी से एक होटल में हुई। ऑन पर्सनल लेवल किरी और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, और मेरे को पहला जो है अपना पर्सनल ग्लव्स जो है वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, जब मैच के दौरान बेदी साहब ने मेरे को उनसे मिलाया अपने अपने रूम के अंदर, होटल रूम में। ये चारों पांचों बड़े खिलाड़ी जो है, प्रसन्ना साहब, चंद्रशेखर जी, गुंडप्पा विश्वनाथ, सैयद किरमानी, ये उनके रूम में आए हुए थे। मुझे स्पेशली बुला के उनसे आशीर्वाद दिलवाया, और किरी जो है वो स्पेशली घर गए और वो विकेट कीपिंग ग्लव्स लाए, उस पर उन्होंने लिखा था, मुझे आज भी याद है, टन्स ऑफ रन्स एंड लॉट्स ऑफ विक्टिम्स। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं उन्हीं का ग्लव यूज़ करके उनको रिप्लेस करूंगा। 80 के शुरुआती दौर में सुरेंद्र ने कई अवार्ड और मेडल के साथ रनों का आंकड़ा अपने नाम किया। ये बात अलग है कि सुरेंद्र ने अपने पूरे करियर में केवल 10 वनडे क्रिकेट मैच ही खेले। नेशनल क्रिकेट में और लोकल क्रिकेट में इनसे बड़े क्रिकेटर्स कम ही हुए हैं। इतना डोमिनेट करते थे अटैक को। बिशनपा जी जब आए कप्तान के तौर पर, और उन्होंने इन जैसे लड़कों को लेके आए, इनको, कीर्ति आज़ाद को, उसके बाद दिल्ली क्रिकेट उभरनी शुरू हुई। सुनील वॉल्सन, बिशनपा जी, सब लोग बताएंगे कि इनकी क्रिकेट की वजह से दिल्ली क्रिकेट बहुत डोमिनेंट फोर्स बन गई लेट 70s में और अर्ली 80s में। अगर सुरेंद्र खन्ना और कीर्ति आज़ाद जैसे प्लेयर्स आज के ज़माने में होते, दे वुड हैव बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज। यह वह दोस्त है कि अगर अच्छे समय में संभवतः आपसे मिले ना मिले, लेकिन कहीं कैसे भी फंसा हो और आपके ख़राब दिन चल रहे हो, तो आपके साथ हरदम खड़ा रहता है। यह है सुरेंद्र खन्ना, खिलाड़ी जिगरे वाला, जिसमें जिगरा होता है, वो खिलाड़ी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने से लड़ने वाला। और जब कभी मैदान में उतरता था एज अ बैट्समैन, तो ऐसी परिस्थिति कर देता था कि सामने वाले भी दुश्मन टीम के जो होते थे वो भी थर्रा जाते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कुछ समय के लिए अलग हो चले सुरेंद्र ने साल 1984 में शारजा स्टेडियम में अपनी धमाकेदार एंट्री मारकर एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के दौरान सुरेंद्र दोनों ही मैचों में अर्धशतकों के साथ शानदार विकेट स्टंप कर अपने देश को पहला एशिया कप दिलाया। एशिया कप में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से सुरेंद्र को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। इंडिया के लिए भी जो है, जब 84 में शारजा में गए तो फर्स्ट एशिया कप था, गावस्कर साहब वहाँ कप्तान थे, उन्होंने किरी को ड्रॉप करके मेरे को एज अ विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन खिलाया, एंड आई वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट देयर, मैन ऑफ द सीरीज, दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच था। एशिया कप देश के नाम करने वाले सुरेंद्र अचानक ही क्रिकेट जगत से गायब हो गए। क्रिकेट की दुनिया से अचानक उनका दूर चला जाना सबको हैरान कर गया। दरअसल उनके क्रिकेट के मैदान से दूर होने की वजह रही ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में हुई घुटने की इंजरी, जिसने सुरेंद्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो टॉस जीते, हमारी बैटिंग आ गई, और हम बल्लेबाजी के लिए मैं और अंशुमन गायकवाड चले गए। तो हमने आई थिंक 70-80 की पार्टनरशिप की, तो मैं क्विक सिंगल के लिए मिड ऑन पे बॉल खेला और शार्प सिंगल लेने जा रहा था, तो आई टोर माय हैमस्ट्रिंग मसल, बट दैट वाज द एंड ऑफ क्रिकेट एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर मी। आउट बिकॉज ऑफ इंजरी, नेवर कॉल्ड बैक, नेवर गिवन अ चांस टू कम बैक। और एक और वाक्या इसके साथ जुड़ा है, तो हम लोग जो सियालकोट में, मैंने बताया, मैच चल रहा था, तो वहाँ पे हमें कोई न्यूज़ बताई नहीं गई, तो मैच बीच में कॉल ऑफ कर दिया गया और हम सबको जो है लाहौर ले आया गया। तो नेक्स्ट दो दिन के बाद हमें पता चला कि मिसेस गांधी की डेथ हो गई, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो टूर कट शॉर्ट हो गया। उसके बाद जो है वो बातचीत जो है
क्रिकेट की कम हो गई, मेरी परफॉर्मेंसेज एशिया कप और ये वो सब खत्म हो गई। अपने छोटे से क्रिकेट करियर में सुरेंद्र, कपिल देव और सुनील गावस्कर साहब की कप्तानी, टीम स्पिरिट और टीम यूनिटी के हमेशा कायम रहे। इनकी कहानी में तमाम किस्से हैं जिनके आज हम पन्ने पलट रहे हैं। सुरेंद्र ने उन धुंधली यादों को भी ताजा किया जब रांची में अपने साथी राकेश शुक्ला के साथ स्पोर्ट हेड की हैसियत से गए सुरेंद्र की मुलाकात महेंद्र सिंह धोनी से हुई। छोटे धोनी से हुई पहली मुलाकात से लेकर अब तक सुरेंद्र उनके खेलने के स्टाइल से बेहद प्रभावित हैं। एक इंसिडेंट याद आता है कि रांची में हमारा, मैं स्पोर्ट्स हेड करता था स्टील अथॉरिटी में, रांची यूनिट की हम सिलेक्शन करने मैं और राकेश शुक्ला गए थे। वहाँ एक छोटा सा बच्चा जो है उसको हमने पिक किया था अपने रांची की टीम के लिए स्कॉलरशिप के लिए। हम वहाँ पे क्रिकेट किट और 3-4 हज़ार रुपये मंथली स्टाइपेंड देते थे, तो वहाँ पे हमने महेंद्र सिंह धोनी को पिक किया था। इनके वालिद साहब जो है वहीं पे रांची में काम करते हैं, वहीं रहते थे। बहुत इनकी भी हम्बल बैकग्राउंड है, वहाँ से वो स्पार्क हमें नज़र आया था। बट मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ी वो की, लेकिन वो स्पार्क उस समय नज़र आया था, वो हमें रांची के लोगों ने बताया। उसने शायद इसका जिक्र भी नहीं किया, अगर एक बार जिक्र किया होता तो उनका कैरेक्टर दर्शाता वो। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर सुरेंद्र हाल ही में अपने तीखे बोलों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में आ गए। फिर चाहे वो क्रिकेटर गौतम गंभीर पर दिया हुआ बयान हो या फिर साथियों संग मानहानि का वो मुद्दा जिसे हाल ही में वो कोर्ट से भरे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो CSK और राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स उस समय जो कर रहे थे और जो दिख रहा था और जो सामने आया, तो उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोधा साहब का कमीशन बनाया और उन्होंने उनके रूल्स के हिसाब से ही जो है उनको 2 साल के लिए बाहर रखा। 80 के दशक के आखिरी सालों में टीम इंडिया से संन्यास ले चुके सुरेंद्र का नाम था, उसके बाद भी क्रिकेट से जुड़ा रहा। 90 के दशक से वो कई कंपनियों के साथ स्पोर्ट हेड के तौर पर कार्यरत रहे। वहीं स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में 2 स्पोर्ट्स अकेडमी भी चला रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स से भी जुड़ी रहे, यही उनका इकलौता लक्ष्य है। पीछे मेरी बैकग्राउंड में रविंद्रा पब्लिक स्कूल है, हमारे जितने गरीब टैलेंटेड बच्चे हैं उनको रविंद्रा पब्लिक स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलती है। एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है कि खेल के साथ साथ जो है शिक्षा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस ये है कि कई कोचेस जो आज आप इस ग्रास रूट पर आके बात कर रहे हैं, वो कोचेस ग्रास रूट पर बात नहीं करते, उनके अटेंडेंस जो होते हैं वो बात करते हैं। सर के नेचर में ये फ़र्क है कि सर जब आते हैं तो वो सबसे छोटे लड़के जिनको कोई देख नहीं रहा होता उनसे आके मिलते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसी लगी प्रैक्टिस का माहौल। तो ये चीज़ उनके नेचर पे निर्भर है कि सर क्या सोचते हैं अपने बारे में और हमारे बारे में। और एज ए कोच मैं कहूँगा कि कहते हैं कि अब ये रिटायर हुए एक तरह से, अपनी सेवाएं जो सेल के लिए इन्होंने दी थी उसके बाद अब इनका एक्चुअल रोल शुरू होता है। इससे पहले एक एज ए क्लब एज ए कोच दिल्ली टीम के भी ये रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, तो उस वक्त पे बहुत लिमिटेड भूमिका रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कॉन्ट्रीब्यूशन का टाइम आया। उसके 2 रीज़न है, एक फुल टाइम अब आप काम कर सकते हैं एसोसिएशन के साथ और दूसरा जस्टिस लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो क्रिकेट में जितनी पारदर्शिता आएगी उतना ही ज़्यादा सुरेंद्र खन्ना जैसे लोगों की ज़रूरत होगी क्रिकेट को, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की भी और एज ए कोच की भी और एज ए मेंटर की भी, जो कि आने वाले बच्चों का भविष्य सुधार सके। सुरेंद्र ने जिस लगन और जुनून के साथ क्रिकेट से अपना सफर शुरू किया था वैसा ही मार्गदर्शन वो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। जीवन के सफर में लाइफ पार्टनर का साथ भले ही छूट चुका है लेकिन बेटी महक और बेटा मन्नत का प्यार उन्हें जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने का हौसला देता है। तो बहुत अंदर से प्राउड फीलिंग तो आती है कि देश के लिए खेले हुए हैं और सबको मतलब इतनी खुशी दी उस टाइम पे जब जिस टाइम पे मतलब इंडियन क्रिकेट जिस दौर से गुजर रहा था और ट्रॉफीज़ नहीं आती थी और उस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ जीतना तो वो इतना बड़ा अचीवमेंट था। तो और वही चीज़ आज भी लोग उस 1984 को याद करते हैं, मैं देखता हूँ आर्टिकल्स आते हैं उस पर भी बार बार आर्टिकल्स आते हैं 1984 को याद किया जाता है और उस टाइम पे और लेजेंड्स के साथ खेले उस टाइम के पाकिस्तान और इंडिया के सुनील गावस्कर जी कपिल देव जी और सबके साथ, तो इट्स अ प्राउड फीलिंग। घरेलू क्रिकेट की शान रहे दिल्ली के जोशीले खिलाड़ी का सफर आज भी जारी है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना उनका पहला
और आखिरी मकसद है, और अपने इस मकसद को वो बड़ी शिद्दत से हासिल करते जा रहे हैं।